हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज का वीडियो होने वाली है हमारी लव मैरिज के ऊपर। जो जो काफ़ी नई सब्सक्राइबर व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रही है, उनका यही क्वेश्चन होता है कि दीदी आप अपना लव स्टोरी, भैया अपना मैरिज के बारे में बताएं। तो आज हम पूरी आप सभी को डिटेल में बताएंगे। हाँ गाइस, मैं पहले चलता हूँ आपको लेके बिल्कुल ही फ्लैशबैक 2014 में। तो गाइस, ऐसे था कि हमारी जो कि फ्रेंडशिप पहले हुई थी हमारी फेसबुक के थ्रू। आप सभी को मालूम है कि पहले फेसबुक चलता था, तो फेसबुक में हमें जैसे कि मतलब कॉमन फ्रेंड्स में आए, तो हमने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक दूसरे की एक्सेप्ट कर ली। फिर हमारी नॉर्मली हाय हेलो तक की बात होती रही, क्योंकि मुझे भी मालूम था कि ये काफ़ी अदर स्टेट की है। उस टाइम इसके जो कि पहले मैं बोल दूँ कि इसके पापा हाँ उस टाइम नागालैंड में आए हुए थे अपनी जॉब में। तो है तो बेसिकली आप सभी को मालूम है कि कोलकाता से है, बट उस टाइम इनके पापा से आना जाना होती थी क्योंकि पोस्टिंग उस टाइम उस साइड हुई हुई थी, तो इतनी दूर की थी। तो हाँ, ज़्यादा बात नहीं होती थी। बट मुझे अभी भी एक चीज़ अभी याद आ रही है कि मेरी जो बात हुई थी फर्स्ट टाइम रीमा से हुई थी इसके बर्थडे वाले दिन। तो क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी उस तो गाइस, मैं एक चीज़ बोलूँ कि बातें तो काफ़ी होती थी, बट इसका बर्थडे आने वाला था, तो मैंने भी इसको बोला कि चलो आप मुझे नंबर दोगे अपना। तो इसने भी पता नहीं हाँ हूँ करके नंबर तो दे दिया। तो गाइस, मैंने बात की, थोड़ी सी बात की, तो ये जी बड़ी बिजी अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं तो ये था ना, ये भी काफ़ी दूर का और मैं भी काफ़ी दूर का भी। हमें बड़ा हुआ कि मैं एक बर्थडे विश कर रहा हूँ अच्छे से, और इसने हेलो हेलो और अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे से बात ही नहीं करी, अपने फ्रेंड्स के साथ ही पीछे लगी। बट ठीक है, तो उस टाइम से फर्स्ट इसकी बात हुई थी हमारी कि इसके बर्थडे वाले दिन से। तो गाइस, बाकी फिर हमारी आस्ता आस्ता थोड़ी हेलो हाय बढ़ती रही, मैसेज थ्रू बात करते रहे हम, थोड़ी चैटिंग होती रही। तो वो ज़्यादा हम नहीं मैं बात को खींचता कि एक बार ऐसे आया कि हम काफ़ी टाइम तक बातें करते रहे, मतलब काफ़ी सारा दिन में समझ लो कि कभी चैट करनी कभी फ़ोन पे बात करनी। तो ऐसे हमें थोड़ा सा फ्रेंडशिप ज़्यादा बढ़ गई, भी नहीं भरता था तब भी ना जी, मतलब काफ़ी अटैचमेंट हमारी होनी शुरू हो गई। बट एक चीज़ का हर टाइम रहता था मुझे कि ये इतनी दूर से है, रीमा उस टाइम है भी नागालैंड में थी, तो मैं तो इसको बोलता था कि हम जिंदगी में कभी भी मिल नहीं पाएंगे। मैंने सच में इसको और बोल मैंने दिया ये चीज ठान भी ली थी, मेरे माइंड में भी कहीं मैंने ये चीज को मान ली थी कि हम नहीं मिल पाएंगे। और गाइस, एक सबसे बढ़िया चीज मैं बताऊँ कि जनवरी को जो आता है अपना वैलेंटाइन डे, देख लो मुझे फरवरी 14 को होता 14 है। 14 फरवरी अभी मुझे भी कंफ्यूज हो गया, 14 फरवरी को मुझे अभी भी याद है कि 14 फरवरी का दिन था। तो मिलने का तो मुझे है ही नहीं था, मैंने इसके लिए एक इसको जैसे डॉल्स का काफ़ी शौक है, अभी भी डॉल्स का शौक है इसको, बारबी डॉल्स का शौक था। तो मैं जाके गिफ्ट सेंटर से बारबी डॉल लेके आया, वो भी ओरिजिनल वाली है, वो उसमें भी बिलीव नहीं आपने नहीं डुप्लीकेट वाली ली होगी। मैंने इसको फोटो सेंड की उसकी और ये इतनी खुश, बट एक ही चीज़ था कि मैं उसको बोलता था कि ये पता नहीं तुझे मैं दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने अपनी अलमारी में रखी हुई थी। देखिए, इसी बीच में ना एक आस ना मेरे ना दिल में एक आस आती थी, कभी शायद कभी ना कभी क्या पता मिल पाए, ये भी आता था मेरे माइंड में। बट गाइस, मैं एक चीज बोल दूं कि मेरे माइंड में कभी भी नहीं था थॉट कि हाँ हम मिल पाएंगे कभी की, और मैं तो सोच मेरे माइंड से ही नहीं था। बट एक टाइम में इतनी अटैचमेंट होगी कि मतलब मैं मतलब कंफ्यूज हो गया कि क्या बंदा करे क्या ना करे, इतनी दूर है। और सबसे बड़ी बात है कि मम्मी से मैंने सारी बात बता दी हुई थी, ऐसी कोई बात नहीं रखी हुई थी कि ऐसे ऐसे मेरी फ्रेंड है। मैंने रीमा से रीमा की बात भी करवाई थी, स्नैप्स भी दिखाई थी मम्मी को, तो मम्मी कहते थे सारा कुछ ठीक है बट फिलहाल तो जाने का तो सोच ही ना। बट फिर मैंने यही रीमा को रहा कि नहीं हम नहीं मिल पाएंगे, ये है वो ये आगे तक हमारा। फिर जैसे कि मैंने बोला कि डॉल्स वगैरह ली, तो हमें अंदर से अटैचमेंट हो गई, प्यार होना शुरू हो गया। तो बस छत पे बातें करते रहना, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहता था, मतलब उदास रहना शुरू हो गया, कई बार रोना भी शुरू हो गया कि हम इतनी दूर से हैं, या जैसे कि लोकल हो और हम कहते थे ना चलो कल से बात नहीं करनी, लेकिन चलो कल दो दिन तीन दिन हम ट्राई करेंगे बात नहीं करने का, लेकिन फिर भी बीच में हम नहीं रह पाते थे, उसी एक मिनट के अंदर फटाफट फोन करना। हाँ, तो यही होता था कि जब कई बार लड़ाई हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था, तो मैं या ये नहीं फ़ोन उठाना, इसने फ़ोन नहीं उठाना, या मैंने कभी बिजी होना, तो एक दूसरे के ऊपर इतना शक होना कि बड़ी लड़ाई झगड़े होने कि नहीं
बस कट ऑफ है, आज के बाद हम नहीं बात करेंगे, हमारा रिलेशन ख़त्म है। फिर मेरे जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी मुझे बोला कि अरे तू पागल है, तू वहाँ जाएगा, तुझे तुझे काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वहाँ पर ऐसे होता है, वैसे होता है, अरे तेरा दिमाग तो सही है, तू इतनी दूर की लड़की, कभी वो कह रहे थे कि तेरे पठानकोट में कोई फ्रेंड नहीं है, ये वो। तो मैंने वो तो फिर आपको मालूम है, फ्रेंड्स सो बातें करते हैं उस टाइम की, हर कोई अपनी थॉट दिखाता है, अपना सोच में होता है वो कि नहीं यार ऐसे मत करिए वो। फिर भी कुछ मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, उन्होंने कहा कि नहीं तेरा सच्चा प्यार होगा तो तू जरूर मिलेगा। तो बस दिल में कुछ ठाना हुआ था, तो बस पहले तो इतना तो ठाना हुआ था ठीक है, फिर एक बीच में टाइम आ गया कि मम्मी भी कह रहे कि नहीं छोड़ अभी क्या है। तो फिर मैंने दिसंबर में एक बार इसके साथ ब्रेकअप कर दिया था बिल्कुल ही, कि मेरे ख्याल से मैंने 10 या 20 दिन मैंने बिल्कुल कॉल नहीं की, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया इसको। मुझे भी, मैंने भी 4-5 दिन सोचा, आपने रीज़न भी नहीं बताया था क्या हुआ। मैंने सही में सच बोलूँ कि मतलब एकदम इतना प्रेशराइज हो गया हुआ था ना मैं, कि मतलब सो क्या ही करूँ, कि मतलब पागल जैसे हालत हो गई थी, कि मतलब ना इधर का था ना उधर का था, बिल्कुल ये सारा होता है लोगों का गलत फहमी कि उधर वो होता है वो, बाकी सारा का नाम बताएंगे डिटेल में, क्योंकि उसने देखा है और फील उधर रहकर भी आया हुआ है। तो यही था कि सभी के अपने अपने थॉट होती है, सोच होती है सभी की, तो सभी ने अपने अपने राय। तो उस टाइम जो मेरे मन में सोच थी, अभी भी मैं एक बात बोल दूँ कि जैसे कि मैं, मेरे कुछ नागालैंड से व्यूवर्स भी देख रहे होंगे या इधर के, तो उनके माइंड में आता है कि जैसे जम्मू एंड कश्मीर है उन, क्योंकि मैं उनकी सोच बोलता हूँ कि वो जो सोचते हैं कि वहाँ पर टेररिस्ट होते हैं, वहाँ पर गोली बारूद चलता है, और हमें मालूम है कि श्रीनगर में ऐसा सीन नहीं होता, कभी कभार वो सीन हो जाता है वहाँ पर, कभी टेररिस्ट आ जाते हैं, कि हमें उस चीज़ का मालूम है, क्योंकि वो तो पठानकोट को भी सोचते हैं कि यहाँ पर बड़ा टेररिस्ट एरिया है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, बड़ा ख़तरनाक एरिया, वो उनकी सोच ये है हमारे लिए और हमारी सोच उनके लिए ये है। तो बस यही सोच के कारण सारा सिस्टम खराब हुआ हुआ था। तो मैंने इसको बोल दिया कि रीमा को कि नहीं हमारा नहीं आगे चल पड़ेगा। मैंने तो सच में मैंने फ़ोन वगैरह बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया, फेसबुक में भी कर दिया, सारा कुछ ख़त्म कर दिया। तो बस ऐसे, ये तो मुझे नहीं मालूम, मुझे मालूम है कि हमारी दोनों की क्या, वही फ्लैशबैक में मैं तो अभी मेरे ध्यान तो यही बात है कि मतलब कि इसकी क्या हालत हो रही होगी, कि मेरी क्या हालत थी, कि जो कि हम दिन दिन भर सारा सारा दिन रात भर बातें करते थे कि एकदम ही हमने ब्रेकअप कर दिया, छोड़ दिया। और मैंने तो 100% सोचा हुआ था कि नहीं आगे हमारा रिलेशन नहीं होगा, हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी इतनी दूर से है और मैं भी यहाँ से हूँ, मुझे कुछ मालूम ही नहीं, इसके बारे में कभी मिला नहीं हुआ हूँ, क्योंकि जो फेस टू फेस मिले उसके साथ तो बंदा सोच सकता है कि हाँ यार सही है या कुछ ऐसे है, कि पता लग जाता है कि फैमिलीज़ के बारे में। बाकी और एक और बात है कि इसके पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, मुझे जो कि इस रीमा ने बताया हुआ था कि वो तो कभी लाइफ में मानेंगे ही नहीं ऐसे, कि कभी इतनी दूर के लिए। हर कोई अपना पेरेंट्स होते हैं, कि जैसे मेरे मम्मी थे इधर, तो इसके पापा भी उस हिसाब से थे कि उन्होंने तो कभी माना ही नहीं था कि इतनी दूर का रिलेशन रखने, नहीं कैसा लड़का होगा। जैसे ही मेरी हमारी सोच होती है, वैसे ही इसके मम्मी पापा की भी सोच बिल्कुल सही थी, और रीमा को भी अंदर से डर था कि मैं कैसा निकलूँगा, हाँ कभी हम फ्यूचर में मैरिज कर लेते। बस इसलिए इस चीज़ों को बीच में, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी आ रही थी बीच में, इसलिए मैंने एक दिन ठान ही लिया कि नहीं यार बस। फिर वही बात मैं पीछे ले गया कि मतलब दिसंबर की बात थी, तो न्यू ईयर वाला दिन था, 31 दिसंबर की बात थी, तो पता नहीं क्या बात होगी कि किसी ने बोला कि तू चल रिलेशन छोड़ दे, तू चल विश ही कर ले, न्यू ईयर की विश कर ले, तो ज़्यादा ना बात करना, उसके बाद बोल देना कि नहीं कौन था वो। तो बस किसी ने बोल दिया, तो बस मैंने जस्ट फ़ोन करने के लिए हैप्पी न्यू ईयर की विश की इसको, तो विश की, तो इसने भी ज़्यादा कोई बात नहीं की, तो हाँ ठीक है आपको भी न्यू ईयर की काफ़ी बधाइयाँ हो। तो बस उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर 2-4 दिन बाद फिर हेलो हाय होनी शुरू हो गई। आपको मालूम है कि जो दिल में प्यार हो ना वो नहीं छोड़ सकता, और मुझे मालूम है 31 दिसंबर वाले दिन जब मैंने इसको
न्यू ईयर विश की थी और मैं अब काफ़ी रोया था, और अभी भी मेरे आंखों में वही पल आ रहे हैं कि कि मतलब उस दिन मतलब इतना फील हुआ था कि मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा इसको देखो गाइस, जो जिसने सही में किया होगा ना उसको ही मालूम होता कि उसने ये दिन कैसे निकाले होंगे, 10-20 दिन जो कि मैंने जो कि बिल्कुल ही कट ऑफ कर दी हुई। अच्छा, आगे का भी कुछ बताओ। हाँ गाइस, तो आगे ये हुआ कि फिर वही सीन आ गया कि मिलना है, एक बार मिलना। फिर मेरे माइंड में आ गया नहीं यार, एक बार मिलना, एक बार जो मर्जी हो मैंने मिलना ही मिलना है।